बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है तुम्हें हिमाचल बहुत याद आ रहा है, लेकिन अभी वक्त है हिमाचल में भी और गुजरात में भी, चलेंगे जरूर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लखनऊ में मौजूद बेहद उमस, लेकिन उसमें से तीन बातें बहुत साफ, और चीफ मिनिस्टर ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने 224 में 80 का ऐलान, और ओम प्रकाश राजभर SBSP पार्टी के, उन्होंने कहा एसी से बाहर निकले अखिलेश। और तीसरी बात, असदुद्दीन अवैसी साहब AIMIM ने निशाने पे है उनके अखिलेश कि अहंकार ज्यादा है। बहरहाल इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसी पे आज बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए कि 24 की तैयारी 80 के साथ यहां पर बीजेपी ने, खास तौर से चीफ मिनिस्टर ने तो इसका ऐलान कर दिया। मैं सबसे पहले समाजवादी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। क्या आपका क्या सवाल है जी? मैंने कहा 24 की तैयारी। हाँ हाँ, देखिए 24 की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है, हम अपने संगठन में बदलाव कर रहे हैं और संगठन पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इस रिजल्ट से जरूर सीखेंगे, हमारी कमियां जो रह गई हैं हम उनसे उन कमियों को दूर करके 2024 के चुनाव में हम अच्छी तैयारी के साथ इस जो कमियां हमारी रह गई उनको पूरी करते हुए हम जीत रहे। आप जब इन्होंने कहा अच्छी तैयारी के साथ, तो आप मुस्कुरा रही हैं, क्यों इनकी तैयारी पे आपको पूरी भरोसा नहीं है? आप तो इनकी पार्टी के बहुत मतलब वरिष्ठ सलाहकारों जैसे स्थिति में रहे। देखिए, भरोसा इनको करना पड़ेगा लोगों पे। जुमा चार दिन बीते हैं जब शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके सिर्फ एक सीट पे समझौता करके भाजपा को हराने के लिए और सपा को जिताने के लिए अपने 100 कैंडिडेट्स को कुर्बान किया, और चार दिन बाद ये कहते हैं हम बी टीम हैं। तो पहले तो ये सबको बी टीम कहना छोड़े, बसपा बी टीम, कांग्रेस बी टीम, शिवपाल जी बी टीम, हर कोई बी टीम है। आप क्यों नहीं अपनी चार बी टीम बना लेते हो? आप भी बना लो 2-4 बी टीम। अब मैं बिल्कुल आया जी जनाब। नहीं देखिए, जो बी टीम है और जो मुखौटा ओढ़ के भाजपा की मदद कर रहे हैं वो सबके सामने है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है, चाहे वो ओवैसी साहब हो चाहे वो BSP हो। और रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी घर के वरिष्ठ मेंबर थे, हैं और रहेंगे, और शिवपाल जी पे चाहे जितना कांटा डाल लेना है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो समझा रहे हैं आपको, समझ में नहीं आ रहा है, वो बता रहे हैं आपको, सुनना ही नहीं है, हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन उनके नहीं आ रहा, भाजपा को समझ में नहीं आ रहा। प्रभात जी, देखिए प्रतीक जी, 90 के बाद जिस तरीके से एक राजनीतिक नेशनल पार्टी में कांग्रेस खत्म हुई और रीजनल पार्टी का उदय हुआ, उन सब रीजनल पार्टी ने तीन तीन चार चार बार यूपी में सरकार चलाई, कहीं परिवारवाद, कहीं भ्रष्टाचार, ये सब अपने अपने आप एक्सपोज हुए। अब जब नई राजनीति आ गई है, मैं नहीं कहूंगा 14 से आ गई है, कब से आ गई है, लोग यही लगाते हैं 14 से आ गई है तो शायद भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूं कि आप 23 करोड़ की पॉपुलेशन में आपकी जनता से कनेक्टिविटी क्या है, नंबर एक बात। हर काम आप गिनाते हैं, दूसरी सरकार आती है तो कोई काम ही नहीं करती है, वो सरकार हमारे ख्याल से बिल्कुल नकारा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे आप लोग बढ़ चढ़ के गलत सलत आंकड़े देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मुलायम सिंह की जो पॉलिटिक्स थी, क्यों चार बार समाजवादी पार्टी सत्ता में आई? क्योंकि वो एक जमीनी नेता थे। राइट, मैं आया, मैंने आपका सवाल तो ये जो अखिलेश जी कहते हैं, सवाल वो है आपका, वो ये कहते हैं ये आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच है कि चुनी हुई सरकारों को तोड़ना, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और काउंटिंग में गड़बड़ी, सवाल ये है आपका? नहीं, संकट यही है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी आत्मविश्लेषण करने की बजाय, आत्मचिंतन करने की बजाय, हालांकि उन्होंने कहा फखरुल भाई ने जब कि समाजवादी पार्टी बदलाव करेगी, सुनकर अच्छा लगा, लेकिन क्या ये आपके डिबेट में बता पाएंगे, देश को जवाब दो में बता पाएंगे कि समाजवादी पार्टी में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी बदलाव होगा? क्या अखिलेश यादव जी आजीवन पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे और उनके बाद उनका बेटा? ये बदलाव करेंगे कि नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी या तो घोषित कर दें कि हम परिवारवादी पार्टी हैं, और अगर बदलाव करने की बात कर रहे हैं तो शायद हो सकता हो कुछ परिवर्तन हो सकता है, और पार्टी अपने भीतर देखे। ये हर परिणाम के बाद आरोप लगाना कि बसपा ने इनकी मदद कर दी, कांग्रेस ने इनकी मदद कर दी, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो गया, ईवीएम गड़बड़ हो गई, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय जाके पांव न फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आया आरएलडी के बाद। परिवारवाद की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पीयूष गोयल जी कौन है, ये राजवीर जी कौन है, ये यहाँ पे लालजी टंडन जी, उनके 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 पिताजी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे क्या? नाम बताइए। नहीं, नाम बताइए, क्या है नाम? नाम नहीं बता पाएंगे? अरे भाई, पार्टी के कर्ता धर्ता पार्टी उनके नाम पट्टा नहीं है। आप क्या पार्टी आपके अखिलेश जी के नाम पट्टा है? जनाब 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 जवाब दे देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की परिभाषा अपने शब्दों में बताना चाहती है। आपके घर में परिवारवाद है, बेटे पोते सब भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन उनकी चर्चा नहीं करेंगे आप चर्चा किसकी करेंगे? दूसरी पार्टियों में समाज जो परिवारवाद है उसकी बात करेंगे? हम कहते हैं कि हमारी पार्टी में, अगर आप मान लेते हैं, हम कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे, आप बताओ ना कि आपकी पार्टी में कितने लोग हैं? क्या राजनाथ जी के बेटे जो है वो विधायक नहीं है?
क्या सांसद क्या कितने लोग हैं आप जिसको जिसको ये परिवारवाद होने का आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी पे नहीं नहीं जिस पार्टी पे ये आरोप लगा रहे हैं उसी की बहू को जब अपने यहाँ ज्वाइन करा लेते हैं तब वो परिवारवाद नहीं होता। वो बहू को चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे हैं कि बहू हमारे यहाँ है तो वो बहू परिवारवाद से नहीं आती है वो कहीं और से आती है। राइट जनाब देखिए ऐसा है कि जो वोट की जहां तक बात है हमारी जनता हम जनता के लोग क्या सोचते हैं और क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं और जो जातिगत आधार पे अब तक वोटों का ध्रुवीकरण लोग करते आए थे राजनीतिक पार्टियां करती आई थी अब जनता सब देखती है सब समझती है और सही समय पे सही निर्णय देती है। जी जी आ गया जनाब कैसे हैं नमस्ते नमस्कार सर आ गया ये कैसे हैं साहब बिल्कुल साहब बहुत बढ़िया हूँ। मैं यहाँ पर जितने भाई सब राजनीति की बात कर रहे हैं लेकिन कोई देश के बारे में भी तो बात करिए जैसे मिसाल के तौर पर हिंसा हो रही अग्निपथ है तो इसको क्या आप लोग समझ रहे हैं। अरे आप बढ़िए समाज में आगे मैं अपना परिचय दे दूं कि मुझे जीके सेठ कहते हैं और मैं 83 वर्ष का हूं और मैं नेत्रदान अंगदान की सेवा करता हूं। यहां पर अगर मेरे मुस्लिम भाई हों उनसे मेरा खास करके निवेदन है कि वो नेत्रदान के लिए आगे बढ़ें। अब रही बात राजनीति की तो राजनीति तो अपनी जगह पे चलेगी ही लेकिन देश के बारे में भी कुछ सोचिए। समान नागरिक संहिता आने वाली है इसके बारे में भी सोचिए। आने वाली है। जनाब अभी हमारे अभिभावक समान सेठ साहब बोल रहे थे कि नेत्रदान केवल मुस्लिम करें अरे हिंदू करें भी आगे बढ़ के करें आगे बढ़िए सब बढ़ के करें। अच्छा जब बात शुरू हुई आपकी तो आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया। आपको पता है ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में लाने वाले कौन थे? ओम प्रकाश राजभर जी के साथ उन्होंने एक मोर्चा बनाया था। बिल्कुल कहाँ चले गए? या तो वो भाजपा में ही चले जाते या हराने के लिए उन्होंने विधानसभा में अपने कैंडिडेट खड़े किए। हुआ क्या नतीजा? जमानत जब्त तो कह रहे हैं कि आप अब ये सोचिए कि हम नहीं है दोषी कौन है वो समझिए। ओवैसी जी ज्ञान न दे यहाँ पर बहुत ऑलरेडी पहले से ही ज्ञान देने वाले लोग हैं यहाँ पर। ओवैसी जी अपना देखे कि वो क्या कर रहे हैं। वो भाजपा की बी टीम बन के लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? हमने कहा तो था सपा में चलिए, क्यों नहीं चले? सपा में लाने वाले कौन थे? ओवैसी साहब को ओम प्रकाश राजभर जी थे, सबको पता है। तब तो वो नहीं आए। अब बैठ के टीवी ज्ञान दे दीजिए कुछ भी, उनका भी हालत वही है एसी रूम वाला, उससे ज्यादा कहीं अच्छे हालत उनके भी नहीं है। देखिए प्रदीप जी जो कुछ बातें हो रही है ये कह रहे हैं कि साहब वो अटैची भर के चली गई। सवाल ये है कि क्या किसी को अधिकार नहीं है लड़ने का? चुनाव तो अपना लड़ेंगे। यदि वहां पर बसपा का प्रत्याशी खड़ा हो गया, बसपा प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ गया तो वहां बसपा ने हरवा दिया। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने हरवा दिया बसपा को। आप इसका कैसे निर्णय करेंगे चुनाव में आम जहां मतदाता में? और दूसरी बात वहां नहीं खड़ा हुआ तो वहां नहीं खड़ा हुआ इसलिए हरवा दिया। साहब गजब तर्क है साहब। चुनाव हर आदमी लड़ता है, चुनाव सबको अधिकार है। आप किसी के नाम पट्टा नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसी के नाम नहीं है ना। ये किसी को अधिकार है कि साहब ये वर्ग में मुझे ही वोट डालेगा, ये भ्रम टूटा करता है। राइट जी, मैं आ गया बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ जी। सब उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति से परिवारवाद और वंशवाद को नकार चुकी है और ये लोग अपना चेहरा आईना में देख ले कि अब समाजवादी पार्टी के लोग और परिवार के लोग चाहे कांग्रेस के लोग, अब देश में राजनीति परिवारवाद वंशवाद की चलने वाली नहीं है। देश में राजनीति राष्ट्र और धर्म के नाम पर देश के नाम पर चलेगी और सबका साथ सबका विकास माननीय मोदी जी कर रहे हैं और सबको विश्वास में लेकर के चल रहे हैं और भाजपा ही करेगी और भाजपा ही जीतेगी। कहना यह है अखिलेश आगे आ जाओ यहाँ आओ पास में हमारे बिल्कुल बगल में आओ, उमस बहुत है उधर। हाँ जी अखिलेश यादव ने एक ही सोच लिया है कि जो होता है उसे होने दिया एक बार, जो होता है उसे होने दिया एक बार, जरूरी ना होता तो हरगिज ना होता। क्या बात, बड़ी गहरी बात कही जनाब। क्या नाम हो गया आपका? जियाउद्दीन खान। जियाउद्दीन खान साहब क्या कर रहे हैं आप? जी मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो हो रहा है वो कुछ होना ही जरूरी है। अखिलेश जी के लिए एक सलाह भी मेरी है। सलाह भी है? उम्र क्या है आपकी? मेरी 31 साल। उम्र सलाह कोई भी दे सकता है, सलाह कोई भी, उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं। सलाह ये है अखिलेश यादव, मैं खुला बोल रहा हूँ मंच पे, अखिलेश यादव जो है वो राजनीतिज्ञ लोग नहीं है। अरे वो तो मुख्यमंत्री रहे वो बाप के दम पे रहे हैं, नेता थोड़ी है वो। विरासत जिससे विरासत ना संभले उसको अपने अकेले में बैठ के रात के 12 बजे 2 बजे जब लगे कि हम तनहाई। आपको लगता है कि ओवैसी साहब ठीक करे? मैं ओवैसी को जाए भाड़ में मुझसे ले लें।
बहुत ज्यादा गर्मी है ना, मकान नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिला? कैसे कमी तो नहीं, मकान मिलता ना, कहाँ बता रहेगा। अच्छा रुको, मकान अभी देते हैं। हाँ जी, बात तो पूरी हो जाने दो। मेरा हमें ओवैसी अखिलेश किसी से कोई मकान पूरा नहीं मिला, मिला ही नहीं मकान। नहीं मिला मकान, अभी कराए दो महीना, हमारे बाकी बात मकान मारी ताला मर ले, बताओ कहाँ रहेगा कोई, मकान मिलता है बताओ कहाँ, क्यों रोड पर क्यों रहेगा। आप सोचिए, हमको मकान दिलाइए सब, काम वी नहीं, मकान नहीं मिला है, मकान नहीं मिला। कहाँ घर कहाँ है? माटीपुरा से किराए पर। माटी, माटीपुरा, माटीपुरा में किराए पे रहती हैं। आप तो चना बेचती हैं यहाँ पे? चना बेचती हूँ। मकान नहीं मिला है? मकान नहीं मिला, अभी नहीं मिला। मकान कब ले मिलेगा, मकान मिला भी नहीं, हमको मकान दिलाओ जा। योगी जी से कहा हो ना? अब योगी के पूछ के मिले। योगी जी से कहे ना, रुके 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 रुके, सब बड़े बड़े काबिल हैं, सबके घर में एसी लगा है मुझे मालूम है, और सबके छत छत छह मंजिल है। रुकिए, किराए बाकी बात बाकी बताओ, किराया कहाँ दे, दो महीना किराए बाकी है मकान वाली। क्या नाम हो गया? हमारा नाम सुमित्रा यादव। सुमित्रा यादव। सुमित्रा यादव, माटीपुरवा, मार्टिनपुरवा, 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 ये लामार्च के बगल वाला मार्टिनपुरवा। और क्या नाम है? सुमित्रा यादव। सुमित्रा यादव, घर मिल, क्यों नहीं मिलेगा? घर मिलना चाहिए, बस जरूर मिलना चाहिए। और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनसे अभी ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, सर कहेंगे। हाँ जी जनाबे आली, हम कहाँ पे थे? हैदराबाद में थे, तो आप कुछ फरमा रहे थे? आप हैदराबाद सलाह दे रहे थे, मैंने लखनऊ रोक लिया था। हाँ रोक लिया था, तो आप कुछ सलाह दे रहे थे माननीय अखिलेश जी को? अखिलेश यादव जी को मेरी पर्सनल सलाह है, हाँ, कि वो अकेले में बैठ के रात के 2 बजे 3 बजे ये मंथन करें, हाँ, कि आखिर मैं हार क्यों रहा हूँ। आपको क्या, एक मिनट रुकिए भाई साहब, या तो आप बोलिएगा और या इनको बोल लेने दीजिए, टीचर हैं ये। आपकी क्या लगता है क्यों हार रहे हैं? हार रहे इसलिए कि वो फैसला खुद नहीं ले पा रहे, हम करें क्या, कारण ये है। दूसरी चीज ये है कि अखिलेश यादव के यहाँ भी 22 में मैंने देखा था टिकट बटे थे, जैसे नकासा लगता है महेश बकरी बिकते हैं, भाई से टिकट बांटे थे उन्होंने, ऐसे सलाहकार हैं उनके, सरकार बन जाएगी। उन्हीं के सामने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का टिकट का डिसीजन ना ले पा रहा हो, मेला लगा रहा हो और उसके बाद टिकट दे रहा हो, उसी के सामने पुराना नेता उसको बुरा भला कह रहा हो, वो नेता कहलाएगा? मुझे नहीं मालूम। अपना घर ना संभाल पाए वो चुनाव क्या जीतेगा? नहीं, ये बात तो खैर जब खरी खरी कही जाती है तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कही जाती। मैं इस बात को ऐसे कहता हूं कि सलाह भी हो सकती है, और ये आरएलडी के लिए भी हो सकती है सलाह, और ये बसपा के लिए भी हो सकती है, समाजवादी के लिए भी हो सकती है, और बीजेपी के लिए भी हो सकती है। नहीं देखिए, हाँ जी, बीजेपी के लिए नहीं है, सुनिए, हाँ। बीजेपी बराबर सत्ता में आ रही, हाँ। सपा या बसपा कोई भी एक कह रहा वो उसने टोकरी पहुंचा दी, दूसरा कह रहा उन्होंने वोट नहीं दिया, तीसरा कह रहा मशीनरी प्रयोग हो गया, चौथा कह रहा ये हो गया। कबड्डी में आप कबड्डी खेल रहे हो, अपना दांव क्यों छोड़ रहे हो? दांव क्यों छोड़ रहे? क्यों जनाबे अली, तुम क्या कर रहे हो? क्या बात है, क्या कर रहे हो भाई? सलाहकार रख लीजिए, क्या कर रहे हैं? बड़े लोगों पे भारी पड़ गए आप गुरुजी। भाई भाई जान, अरे कैसे बात, मैं मेरा बाल ये सब रंगे हुए हैं मेरे, मैं भी जानता हूँ, कईयों पे भारी पड़ गए आप। आपने कहा कि अपना दांव क्यों छोड़ रहे हो? और दांव क्या है? दांव जो इल्जाम लगा रहे उन्हीं से पूछ लीजिए दांव क्या है। दांव अगर उनको लगता है कि टोकरी पहुंचा के हो रहा तो तुम भी पहुंचाओ, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मुकदमा होना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात कही, वाकई में इस पैनलिस्ट के से हट के बिल्कुल बात कही, वही बड़ी जमीनी बात कही है। अगर टोकरी कह रहे कि टोकरी पहुंचाई गई, वहाँ ये हो गया, मशीनरी प्रयोग हो गया, अगर टोकरी पहुंचाई गई तो तुम भी पहुंचाओ, अगर कानून जायज है, और अगर गलत है तो तुम पे मुकदमा होना चाहिए, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्यों बोल रहे हो किसी के बारे में फर्जी? वो इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, गुड्डू जमाली ने हरा दिया, फलाने हरा, धमाके हरा, क्या धर्मेंद्र यादव ही थे आजमगढ़ में नेता, सब खत्म हो गए, कोई नहीं है? क्यों लाए उनको वहां? लोगों ने देखिए हुजूर आली, ये इशारा उस तरफ है कि कई इदारे थे, उन इदारों में कहा जा सकता था, जाया जा सकता था, इदारे आप बेहतर समझते हैं, उनके बीच में बोला जा सकता था, आप दौरे पे ही नहीं गए, आप गए ही नहीं, निकले इदारों में भी, इदारों में वालों तो इन्होंने को एसी में बैठा रखा है, हैं? हाँ वही ठेका दे देते हैं, अगले भैया घबराना मत, सरकार अपनी बन रही है। गजब है भाई, आज तो मैं लग रहा भैया जी कहीं यहीं से खत्म कर दूंगा।